हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने 6 दिनों में ही 244 करोड़ 30 लाख रुपए की धांसू कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है। साथ ही इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। जहां एक तरफ ये फिल्म फैंस को धूल चटा चुकी है, वहीं अब लीजिए इस फिल्म ने साल 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि जहां उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर 243 करोड़ 24 लाख रुपए का कारोबार किया था, वहीं एवेंजर्स एंड गेम ने 244 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस हिसाब से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये फिल्म बड़े ही आसानी से 300 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेगी। दरअसल फिल्म को लेकर फैंस के बीच जो क्रेज है वो अभी भी बरकरार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल की कमाई के आंकड़ों को भी पछाड़ देगी। ऐसे में भारतीय फिल्मों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे भी ये फिल्म हाईएस्ट ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तो पहले ही अपने नाम कर चुकी थी। इसके बाद फिल्म ने पहले वीकेंड में भी धमाकेदार कमाई करते हुए हाईएस्ट वीकेंड वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया था। अब इसके बाद ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म भी बन गई है। ऐसे में ये फिल्म आने वाले दिनों में और कौन सा बड़ा इतिहास रचेगी, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।